यस सेवन क्लास, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस स्लाइड तक अपना जो चैप्टर नंबर 1 है उसको कवर किया था, राइट? सो इन टुडे वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. यस, नेक्स्ट इज द फोटोसिंथेसिस. एंड आई नो कि यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट हियर सम more information be given over here. In your lower standards, you have not go through it. आप इसके इसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है? So एक नई चीज़ यहाँ पर मैंने add up करी गई है इन slides के अंदर, because आपकी books के अंदर भी बेटा ये चीज़ proper way में नहीं given है आपको. So let's start with it. Photosynthesis is food making process in plants from simple substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight. We know कि जो photosynthesis है वो कैसी process है, जिस प्रोसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सॉरी प्लांट्स क्या करते हैं कि सिंपल सब्सटेंस है लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि वो उस प्रोसेस को करते हैं जिसमें वो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना फूड बनाते हैं. और क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. कि क्या होता है कि जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो रिलीज आउट होती है. नेक्स्ट है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट. ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, ग्रीन लीव्स के अंदर होती है. नेक्स्ट, द फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज. कि जो फूड आपका जो प्लांट्स बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, कौन सी फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में. नेक्स्ट वीडियो, द ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स. ऑफ कोर्स बेटा कि जो सनलाइट से एनर्जी प्लांट्स अपने लिए लेके आ रहे हैं, राइट, उस एनर्जी का वो यूज सॉरी उस एनर्जी को वो किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल फॉर्म में, ठीक है, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में. और वो जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो कौन सा बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. तो ये जो 3-4 पॉइंट्स इनको याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हो. यस, दिस इज एन पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन विच यू कैन सी कि देयर इज एन प्लांट. ओके, फ्रॉम दैट द सनलाइट कम्स डाउन एंड इट फॉल ऑन द लीफ. क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द लीफ, राइट. Water and minerals is taken by the plant through their roots. Carbon dioxide and oxygen taken by the plant from the air. Okay, so in the next site of photosynthesis, that is the chloroplast. ठीक है, कि photosynthesis कहाँ पे होती है, chloroplast के अंदर. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी फिंगर्स हैं, नोज है, लिप्स हैं, ठीक है, हेड है, आईज है, ठीक है, हमारी आर्म्स हैं, ठीक है, हमारा एब्डोमेन है, हमारी लेग्स हैं, वैसे ही जो आपका प्लांट है उसका जो लीफ होता है उसके भी बेटा अपने डिफरेंट डिफरेंट पीछे दो स्लाइड्स अपने आप मूव करके आइए. ओके, वी आर ऑन दिस वन स्लाइड. सो क्लोरोप्लास्ट की बेटा मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी एक ऑर्गन है लीफ का, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन सी ऑर्गेनेली में होती है, लीफ की, क्लोरोप्लास्ट के बीच में. गॉट इट, क्या होता है सारा कुछ बेटा यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, जो पिछली स्लाइड में उसमें भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट होती है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिडक्शन कर देती है और फूड बनाती है. ठीक है, कौन सी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में. और लास्ट लाइन लिखी हुई कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑफ कोर्स क्यों है, क्योंकि सन की हेल्प से बेटा फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस होगी. अगर सनलाइट नहीं होगी, लाइट नहीं मिलेगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे. जब प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो अल्टीमेटली जो एनिमल्स और प्लांट्स एंड अदर प्लांट्स उन ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड अपने फूड के लिए, वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे और जो अनदर उनके ऊपर डिपेंड है वो वैसे ही नहीं कर पाएंगे बेटा अपना पूरा प्रोसेस. फिर अल्टीमेटली ग्रीन प्लांट्स की डेथ और उनके ऊपर डिपेंड रहने वाले जो अनदर एनिमल और प्लांट्स हैं उनकी भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. गॉट इट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग. यस, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स.
ओके इन द लास्ट वीडियो लेक्चर, ठीक है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सॉरी फिर सिक्स स्लाइड आ गया क्या, ओके, अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपको मैं बता रहा था कि जो से वही बार बार रिपीट हुआ जा रहा है, सॉरी फॉर दैट, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या कह रहा है वो, कि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बताया था कि डिफरेंट तरीके की न्यूट्रिशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ऑटोट्रॉपिक की तो कोई ज़्यादा सॉरी सब टाइप्स है नहीं वन, लेकिन हेटेरोट्रॉपिक की ज़रूर है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया था सेप्रोट्रॉपिक के बारे में, पैरासिटिक के बारे में और होलोजोइक के बारे में, बट अब इस वीडियो में इस लेक्चर इस स्लाइड के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस हैं जो प्लांट्स शो करता है, कौन शो करता है, जो प्लांट शो करता है, ठीक है, तो वो जो प्लांट्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है वो ये मेन चार तरह के न्यूट्रिशंस को शो करते हैं, जिसमें पैरासिटिक है, इंसेक्टिवोरस है, सेप्रोफिटिक है, सिंबायोटिक है। तो हम इन स्लाइड्स सॉरी अगली आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम वन बाई वन करके इन सबके बारे में पढ़ेंगे, बट फॉर टूडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी हैव ओनली डिस्कस अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। Yes, in parasitic mode of nutrition, plants depend upon another plants or animals for their nourishment. कि बेटा इस nutrition के अंदर जो plants होते हैं वो completely खुद नहीं अपना खाना बनाते, ना खुद का अपना habitat है, ना उनका अपना घर है, वो दूसरे के ऊपर ही grow करते हैं, दूसरे plant के ऊपर ही, दूसरे organisms के साथ ही, और वहीं से अपना nourishment भी लेते हैं, वहीं से अपना खाना भी लेते हैं। तो इसीलिए इन plants को और उन ऑर्गेनिजम्स को जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और वहीं से अपनी नरिशमेंट लेते हैं उनको हम लोग पैरासाइट कहते हैं, एंड द वंस ऑन विच पैरासाइट डिपेंड आर कॉल्ड एज होस्ट। और वो ऐसे जिनके ऊपर ये पैरासाइट ग्रो करते हैं उन प्लांट्स को या उन ऑर्गेनिजम्स या उन एनिमल्स को हम लोग क्या नाम देंगे, होस्ट का, राइट आगे मैंने ये लिखा हुआ कि जो पैरासाइट है वो दूसरे के ऊपर क्लाइंब करता है, मतलब उसी के ऊपर ग्रो करता होस्ट प्लांट के ऊपर ही, ठीक है, जहां से अपना वो सारा फूड लेगा। उसके बाद सॉरी पिछला पेज फिर से आ गया बेटा, यस द होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट, बट जो होस्ट होता है जिसके ऊपर वो प्लांट ग्रो कर रहा है उसको कोई फायदा नहीं होता बेटा पैरासाइट का, बिकॉज उल्टा नुकसान करता है उसको वो। अब पैरासाइट्स पैरासिटिक न्यूट्रिशंस जो शो करते, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स भी हैं और कुछ माइक्रो सॉरी कुछ हमारे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी हैं, ठीक है, तो मैं बताता चलता हूँ आपको इनके बारे में कि सम एग्जांपल्स ऑफ पैरासाइट्स आर कस्क्यूटा आकाश बेल, कैसीथीटा अमर बेल, हुक वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, लीचीज। अब ये जो तो पहले एग्जांपल्स हैं आकाश बेल और अमर बेल का, ये तो प्लांट्स हैं, पर लेकिन जैसे ये हुक वॉर्म है, टेप वॉर्म है, ये बेटा पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं, कई बार इंसान होता है उसे भूख नहीं लगती है या पेट में दर्द रहता है, तो वो डॉक्टर से जब रिकमेंड करा जाता है तो डॉक्टर कहता है कि पेट के अंदर कीड़े हैं, तो वो कौन सी तरह के होते हैं, ये वो दो नाम बेटा यहाँ पे आपको गिवन है, हुक वॉर्म एंड टेप वॉर्म। तो ये हमारे पेट के अंदर रहते हैं, व्हाटएवर हम लोग जो नरिशमेंट लेते हैं, ठीक, उसी का ये यूज करते हैं और हमारे ब्लड से उस नरिशमेंट को सारी ले लेते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। लीचीज जो जोंक होती है, ठीक है, अगर हम नहरों की साइड देखें या नदी तालाब होते हैं तो बरसात के मौसम में बेटा बहुत सारी जोंक्स होती है जो हमारे पैरों के साथ चिपक जाती हैं या हमारे किसी बॉडी ऑर्गन के साथ चिपक जाती हैं, ठीक है, वो हमारी बॉडी से क्या करती रहती है, ब्लड को सक करती रहती है, तो भी एक पैरासाइट है क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर ही वो चिपकी और वहीं से हमारा नरिशमेंट भी ले रही है हमारी बॉडी से अपने लिए, ठीक है। सो इस वीडियो लेक्चर में बेटा मैं इतना से डिस्कस कर रहा हूँ, क्लासरूम में भी हम लोगों ने इसके बारे में यहीं तक आज डिस्कस करा था, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका नेक्स्ट स्टार्टअप सॉरी इससे जो नेक्स्ट पोर्शन है चैप्टर का वो स्टार्ट करेंगे। सो मेरी एक हम्बर रिक्वेस्ट ये बेटा कि प्लीज गो थ्रू द वीडियोज वट एवर द शेयर विद यू, आपके साथ जो भी शेयर करी जा रही है स्कूल की तरफ से आप कवर करिए, क्योंकि बेटा बुक्स के अंदर कई सब ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सेस में दे रखी होती हैं, ठीक है, उनको हम लोग सिलेबस में इंक्लूड नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये रहती है वहाँ पे बहुत कुछ ऐसी एक्सेस में लिखी होती है चीज़ें, उनके बारे में भी हम लोग बेटा कवर करेंगे, ठीक है, बट वो लास्ट पोर्शंस में आके, सो डोंट वरी, ठीक है, वीडियोस के साथ इन प्रेजेंटेशंस के साथ चलना है, कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, एक्सेस में लगता है, डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, प्लीज़ बार बार मेरे से पूछ के चलना है, ओके, बट गलत नहीं करना कुछ भी, ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे नाउ।